हे फ्रेंड्स, दिस इज अरुण और आप देख रहे हैं अरुण ब्लॉग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आद्य ऑटोमोबाइल को वेरी वेरी स्पेशल थैंक, क्योंकि इन्होंने मुझे सुजुकी एक्सेस BS6 मॉडल को रिव्यू करने में काफ़ी हेल्प की। तो आप ये देख सकते हैं, ये पूरा BS6 स्टॉक है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट डिफरेंट वेरियंट्स में, और चाहें तो आप इनको बाई कर सकते हैं। आज हम लोग इस स्कूटी का रिव्यू करेंगे, डिटेल साइट में आ रही है। अगर आपको सुजुकी का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं और ये सारे ही BS6 वेरिएंट हैं। तो अगर आप चाहें तो इनको परचेस कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपकी डिटेल आ रही होगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसका देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप परचेस कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आप सामने से देखिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और पहला चेंज आपको नज़र आ जाएगा इसके हेडलाइट में। अब इसकी जो हेडलाइट है वो फुली LED है, और जो इस स्कूटी की डायमेंशन है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm है, जो काफ़ी ठीक ठाक है। और इसका जो व्हील बेस है वो 1265 mm है, जो काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सामने से अगर आप देखते हैं तो सबसे पहला चेंज आप हेडलाइट में देखेंगे, उसके बाद इसके एपरेन पे 2 DRL दे दिए हैं, लेकिन इनमें बल्ब यूज़ किया है, LED यूज़ नहीं की है। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, लेकिन जो हेडलैम्प है वो पूरा पूरा LED दिया है, तो काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छा इल्यूमिनेशन प्रोवाइड कराता है। आप सामने देखेंगे तो इसमें डिस्क ब्रेक दिया है, क्योंकि मैं ये डिस्क ब्रेक वेरियंट का रिव्यू कर रहा हूँ। इसमें कंबाइंड ब्रेक आते हैं, जिससे आप अगर पिछला ब्रेक लगाते हैं तो अगला ब्रेक भी एंगेज हो जाता है और ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। आगे का जो टायर है वो 12 इंच का है, 90x90 सेक्शन का। और आगे टेलीस्कोपिक फॉक्स आते हैं, जो काफ़ी अच्छी तरह से काम करते हैं बम्प वगैरह को एब्जॉर्ब करने के लिए। सामने से देखने में इसका टायर काफ़ी बड़ा लगता है और ये स्कूटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन इसमें रेट्रो टच भी दिया हुआ है, जो इसके मिरर्स और इसके हेडलैम्प में देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं, ये रेड कलर है और ये काफ़ी प्यारा कलर है और ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। इसमें जो इंडिकेटर है वो भी बल्ब टाइप दिए हुए हैं, LED नहीं है, और सिर्फ इसका आप देख सकते हैं हेडलैम्प LED है, बाकी सब बल्ब टाइप दिया हुआ है। आगे आप देख सकते हैं, नंबर प्लेट लगाने की जगह है। और अगर हम बात करें इसके मिरर्स की, तो ये रेट्रो टाइप रियर व्यू मिरर हैं, क्रोम में देख सकते हैं आप, और ये काफ़ी अच्छा एक्सेंट प्रोवाइड करते हैं इसको एक क्रोम फिनिश के लिए। इसके जो स्विच गियर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छे पोजिशन है, जिसको आप एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है और नीचे एक पॉकेट दिया है, तो आप ऑन द गो अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। ये 2 एम्पियर का सॉकेट है, आप ऊपर लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, और ये पॉकेट है, यहाँ पर आप अपने मोबाइल को रख के गाड़ी चलाते समय ही चार्ज कर सकते हैं। और ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि लॉन्ग राइड लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है उनके लिए। साइड से आप पैनल देख पा रहे हैं, एक्सेस 125 3D में लिखा हुआ है, और ये BS6 वेरिएंट है, जैसा कि अभी आप देख पाएंगे। और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स लाए गए हैं। सबसे पहला फीचर आपको पता ही है, ये BS6 स्कूटी है, जिसके कारण इसमें अब फ्यूल इंजेक्शन आता है, कार्बोरेटर को टोटली हटा दिया गया है। पीछे आप देख पा रहे हैं, पीछे का जो टायर है वो 10 इंच का दिया हुआ है, और ये 90x100 सेक्शन का टायर है। पीछे स्विंग आर्म सस्पेंशन दिया हुआ है, जो काफ़ी अच्छे से बम्प्स को एब्जॉर्ब कर पाता है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। इसमें जो पीछे साइलेंसर दिया हुआ है, इसके ऊपर क्रोम फिनिश का एक मफलर दिया हुआ है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देख सकते हैं, ये इंजन का फ़ैन है, और ये पैर रखने के लिए फुट पैक्स हैं, जो काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेटेड है बॉडी में। अगर हम दूसरी साइड में देखें तो दूसरी साइड में भी एक्सेस 125 लिखा हुआ है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि ये 3D में है। अगर हम बात करें इसके इंजन की, तो इसका इंजन 124 cc का एयर कोल्ड इंजन है, जो कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ आता है, और ये काफ़ी अच्छा और पावरफुल है। इसका जो मैक्सिमम पावर है वो 8.7 PS का है, 6750 RPM पे, और इसमें जो टॉर्क है वो 10 Nm का है, 5500 RPM पे, यानी 5500 RPM पे, जो कि एक काफ़ी पंचे स्कूटर की तरह निकल के आता है। इसमें जो पीछे ब्रेक दिए हैं वो ड्रम ब्रेक दिया हुआ है, और इसमें किक और सेल्फ दोनों स्टार्ट का सिस्टम दिया है, लेकिन इसमें एक्टिवा की तरह साइलेंट स्टार्ट नहीं है। इन्होंने एक नया फीचर ऐड किया है, पीछे आप देख सकते हैं एक्सटर्नल फ्यूल कैप दी हुई है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि ये इसको ओपन करने के लिए आपको इसमें ही की लगानी पड़ती है, आप आगे से ओपन नहीं कर पाएंगे, और ये जब ये ओपन होता है तो ये पूरा बाहर आ जाता है। ये और अच्छा हो सकता था,
लेकिन सुजुकी ने इसको पहले बाहर ही कर दिया, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। इसका जो फ्यूल टैंक है वो 5 लीटर की कैपेसिटी का है और ये फ्यूल इंजेक्शन बाइक है, तो सॉरी ये फ्यूल इंजेक्शन स्कूटी है, तो फ्यूल इंजेक्शन होने के कारण इसमें 1.5 से 2 लीटर तेल रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इससे कम तेल रहेगा तो इसके फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। सो आप देख सकते हैं आगे फ्यूल इंजेक्शन की ब्रांडिंग है, क्योंकि अब BS6 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, BS6 स्टैंड फॉर भारत स्टेज 6, यानी कि अब जो भी मैन्युफैक्चरर होंगे वो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ही लाएंगे। अगर हम बात करें इसके मीटर की, तो इसमें ट्रिप A, ट्रिप B और टाइम आप देख सकते हैं, क्लॉक का ऑप्शन भी है। साथ में इसमें जो बैटरी का पावर है यानी वोल्ट मीटर भी दिया हुआ है, और ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिक बेसिक सा है। लेकिन जो इसका मीटर है वो मीटर में लाइट लगी है जो इको असिस्ट करती है। जो पीछे का आप देख सकते हैं ये बूट स्पेस है, ये काफ़ी ब्रॉड है और इसमें एक फुल फेस हेलमेट इजीली फिट हो जाता है, जो कि एक काफ़ी अच्छा टच है। सो ये इसका ओवरव्यू है। अगर आपको ये इसका ओवरव्यू पसंद आया, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं इसके एग्जॉस्ट नोट की, तो आपको मिल लीजिए। अगर हम इस गाड़ी में बैठते हैं तो इजीली हम लोग के पैर टच हो जाते हैं। मेरी हाइट अराउंड 170 सेंटीमीटर है, तो आप देख पा रहे हैं अगर आप बैठेंगे तो आराम से, क्योंकि ये स्टैंड पे लगी हुई है इसलिए थोड़ा सा ऊपर पैर रखना पड़ रहा है, तो आप आराम से इसमें बैठ पाएंगे। सो ये है मेरी चैनल पे इसका फुल रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आता है, स्पेसिफिकेशन इसके पसंद आते हैं, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये उस शोरूम का सर्विस सेंटर है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।